गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। इसके बाद और भी कई एक एक ऐसे महात्मा हैं कोल्हापुर में, एक दत्तावाल नाम के योगी थे, वे मेरे बचपन के मित्र, दोनों साथ रहते थे बचपन में। योग की क्रियाओं का अभ्यास करना इसमें बहुत दिलचस्पी रखते थे। वजह सिर्फ एक बात की कि अन्य किसी उपासना के अलावा ये योग उपासना ये ज्यादा शास्त्र के साइंस से जुड़ी हुई, ये करो इसका प्रत्यय ये एक बता सकते हैं। So, इसलिए उसमें जुड़े हुए थे। कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां एक दत्तात्रेय मठ है। कोल्हापुर ये दत्त संप्रदाय में भगवान दत्तात्रेय जी के जो विभिन्न स्थान हैं कि वो कहां स्नान करेंगे, त्रिवेणी में स्नान करते थे, फिर भिक्षा के लिए कोल्हापुर आते थे, करवीर क्षेत्र था उनका, तो भिक्षा के लिए उनका भिक्षा लिंग स्थान वहां है ही। तो वहां अनेक नागा साधु जो इस अवधूत संप्रदाय के, वो परिक्रमा करते करते आते थे भगवान दत्तात्रेय जी के एक 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 लीला स्थान को दर्शन करते करते लीला स्थान का आते थे। वे नागा साधु एक दृष्टि से तो हमेशा गांजापान करते हुए रहते थे, कोई भी उनको देखेगा तो ऐसा लगेगा कैसा बड़ा व्यसनी महात्मा है। ये बात कुछ अलग है, उसका उहापोह अभी नहीं करूंगा मैं, लेकिन उनके पास योग विद्या बड़ी अद्भुत रहती थी। एक 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 प्रक्रिया योग की ऐसी सिखा सकते थे और हम उसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। हम दोनों समवयस्क ही थे, दत्तापाल और मैं, वो कई सिखाते थे, हम उसको अपनाते थे। कभी उनकी मुलाकात फिर से होती थी ऐसा नहीं, मुलाकात हो गई, कुछ सिखाया, उसी के प्रकार अनुष्ठान किया, ऐसा चलता रहता था। एक बार ऐसा हुआ, एक विशिष्ट प्रक्रिया उन्होंने बताई, लेकिन उसका नतीजा तो देख नहीं पा रहे थे। दो तीन बार प्रयत्न करके हमने छोड़ दिया कि ठीक है, किसी गलती है, क्या गलती है, हमारी गलती है, क्या है, छोड़ देंगे बात, इससे क्या इतना। लेकिन दत्तावाल के मन में यह भाव ऐसा बैठ गया था कि क्यों मुझे क्यों नहीं यश आता इसमें, क्या गलती है। तो करीब करीब 10-12 साल उसके मन में बात थी, कोशिश करता था फिर अपयश आता था। वो योगी अरविंद जी की जो शिष्या पांडिचेरी की, जिसे मदर कहते हैं, इनसे उसने दीक्षा ली थी अपने गुरुदेव के पास, मदर के पास वो गया था ये समस्या लेके,
कि इसमें मुझे यश क्यों नहीं आ रहा है, क्या भूल होती है। उन्होंने भी कुछ बताया नहीं उसे, बहुत निराश हो गया था वो। अनेकों से पूछा लेकिन कोई निराकरण नहीं कर सका। तो एक बार शायद 61 होगा या 64 होगा, ऐसा ही कुछ, मां बंबई में पार्ला में बीके शाह जी के सुनैना बंगले में, जो उनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की कुटी बनाई थी, उसमें आई थी। हम तो गए वहां, दत्तावाला और मैं दोनों गए, क्योंकि साथ में ही नंदा जी के यहां पुणे में हमारा मातृदर्शन पहला हुआ था। तो उसी के बाद बंबई में आई है सुनकर हम लोग गए। ज्यादा भीड़ उतने होती नहीं थी उस समय, जैसे बाद में देखते कि इतनी अपार भीड़। तो ऐसे ही मां को, और मां का स्वास्थ्य भी बाद में जितना विकल देखते थे पहले उतना नहीं था, ऐसे ही सहज घूम फिर सकती थी। तो हम जब गए, ये दोपहर का समय था, सत्संग का समय एक तो सुबह में 10-10:30 बजे ऐसा कुछ रहता था, शाम को 5:30 बजे के बाद रहता था। तो उसी को छोड़कर दोपहर में गए हम। पूछा मां कहां है, मां से मिलना है। तब वहां जो स्वामी जी थे विभुधा, उन्होंने बताया कि स्कूटी के पीछे जो जगह है वहां से बड़े बड़े पत्थर जा रखे थे, वो पत्थर थे, वही एक पत्थर के ऊपर वहां बैठी है। हम गए वहां, मां को प्रणाम किया, कुछ बातें हुई, कभी उन बातों का आगे संबंध आ जाएगा तो उसे भी बताएंगे। दत्तावाल अचानक मां से कहता है कि मां एक कठिनाई है। क्या? इस प्रकार की साधना हम करते हैं, ये प्रक्रिया ऐसे ऐसी नागा साधु ने बता दी है, लेकिन इसमें हम यश नहीं पाते हैं, सफलता नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस प्रकार की गलती होती है, क्या जो रास्ता बताया है हमें, तरीका बताया है, वो तरीका गलत है, उसे इस्तेमाल करने में हम कुछ गलती करते हैं, क्या गलती हो रही है। मां सुन रही थी, इतना ही कहती है कोशिश करो। वो कहता है 10 साल से कोशिश करते आ रहा हूं और अभी तक कोई भी बता नहीं सका मुझे। पंडित जी के मदर का भी उसने उल्लेख किया, उनके पास भी गया, उन्हें भी पूछा, फिर कुछ दखल ही लिए नहीं उन्होंने। मां इतना ही कहते फिर से कोशिश करो। अब ये सुनकर वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। वो कहता है मां कोशिश करके कुछ नहीं हो रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना बता दो कहां गलती होती है।
मैं इतना ही जानना चाहता हूं, मैं सुधार लूंगा गलती हो। जैसे वो रोने लगा, मां के भाव बदलने लगे, परिवर्तन होने लगा। ऐसी विलक्षण करुणा के भाव नेत्रों से प्रकट हो गए। देखती है दत्तावल की तरफ, ऐसे आसमान की तरफ देखती है और ऐसे हाथ की खोल दिया, बस। कहां गलती होती थी बताया नहीं, लेकिन जहां अटक गए हैं वहां से आगे कर दिया। दत्तावल ने जो अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। तो इससे एक बात स्पष्ट रूप से है कि किसी को भी उठाकर ले जाना ये सिर्फ मां कर सकती थी। मार्गदर्शन अत्यंत बिनचूक मार्गदर्शन अनेक कर सकते हैं, कृपा उनकी यही रहती है कि ठीक ढंग से मार्गदर्शन करेंगे। देखो ये तुम्हारी गलती है, इसके आगे ऐसा जाना चाहिए, बिनचूक मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस प्रकार उठा के नहीं ले सकते, ये सिर्फ मां कर सकती थी। मेरी गलती है ये, कर सकती थी कहता हूं मैं, नहीं, सिर्फ मां ही करती है। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां। सो नाउ अगेन नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। जय मां।